साथ तीन टिप्स को शेयर करूंगा जो बहुत ही आसान है लेकिन काफ़ी खतरनाक भी है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हो सकता है आप लेट हो जाएं। इस तरह के अच्छे वीडियो को देखने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं। यहाँ से फर्स्ट टाइम यदि ये पंच करता है, एक हाथ बाएं से ऐसे पकड़ते, दूसरा हाथ जल्दी करता है, ये चीज़ ऐसे करते हैं, और यहाँ से सामने से पकड़ते हैं बंदे को और यहाँ से ये मारते हैं और ये छमके आप ये मारते। फिर से आप देखेंगे इस टेक्निक को कितना आसान है। एक हाथ से दोनों को, पहला ये पंच आता है ऐसे करते यहाँ पे होल्ड करते, दूसरा आता है इसको भी इस तरह से पकड़ लें। अब ये बंदा का पैर यहाँ है, यदि आप यहाँ इस पैर से संभालते हैं तो सामने की तरफ, फिर आप देखा आपने कितना आसान तरीका है किसी को होल्ड करने का और मार के गिराने का। अब देखते हैं हम लोग दूसरे चैनल, दूसरे टैक्टिक। यदि बंदा यहाँ से पंच करता है इस तरह से करता है, इस हाथ को ऐसे जोड़ते हैं ना, और इसको आप ऐसे कीजिए। अब इसको मैं इधर से दिखाता हूँ, आपको साइड चेंज करके दिखाता हूँ। बंदा कोई मारता इस तरह से ब्लॉक करते, इस तरह से करते यहाँ से मारते। फिर से देखेंगे इसको आप पैर को घुमा के भी मार सकते। पहला आया, इस बंदे का हाथ को ऐसा रोका आपने, इसको यहाँ पे होल्ड किया, तोड़ा इस हाथ को, तो ऐसे अटैक करेंगे तो ये टूट जाए। ये सामने है और ये हाथ से बहुत ही आसान तरीके है। तीसरा टेक्निक है, यदि ये बंदा मारता है तो इस तरह से हटते हैं, फिर से ऐसे, और ये मवासी के लिए फेस कर सकते। देखेंगे आप फिर से आराम से धीरे धीरे वैसे हाथ, ये बंदे को हाथ को ऐसे रोकेंगे, यहाँ लाएंगे, फिर से ऐसे तोड़ेंगे, तो ये तोड़ेंगे और सामने आ जाएंगे। अब यहाँ से इसको फीस कर सकते। दूसरे टेक्निक को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर से बंदा मारा, फिर से तरह से आया और देखा दोस्तों आपने किस तरह से थोड़ा सा हाथ पैर चलाना यदि आपको आता हो, बहुत आसान तरीके से दुश्मन की पकड़ से आप छूटते हैं, उसे अपने काबू में लाते हैं, उसे जम के मारते भी हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा है? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि घर बैठे तमाम लोग मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख के मार्शल आर्ट सीख सकें, जो मेरा उद्देश्य है कि दुनिया के तमाम लोगों को मैं मार्शल आर्ट सिखाऊँ जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में नहीं जा पाते। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और यदि आप चाहते हो कि अच्छा से अच्छा वीडियो बने, जिस तरह का वीडियो आप चाहते हैं, आप आ करके हमारे नोटिफिकेशन में नोट करें, लिखें और बताएं कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू अगेन, मैं फिर से दोबारा आपसे फिर से आऊँगा अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।